अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मेरे वालिद का इलाज ये प्रीमियर हॉस्पिटल में करा रही हूँ। 21 अप्रैल के दिन मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उनका 2 दिन जो है नीचे जनरल वार्ड में रखे थे। वो जनरल वार्ड में रखने के बाद क्या करें, इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा, आईसीयू होना बोल के बोले तो हम लोग आईसीयू के लिए 2 दिन फिरे बाहर, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तक भी एडमिट कहीं भी नहीं करे, बेडा नहीं है बोल के बोले। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, फिर इधर इन लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम लोग प्लीज़ आपसे अजीजी करते हम लोग को बैठ दीजिए, हमारे जान के वालिद है हमारे, वो तो रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरी दिन में आके बोले हाँ एक बेड खाली हुआ, आप आ सकते हैं बोल के बोले। हम नीचे आईसीयू में लेके के बाद 7 दिन उनको आईसीयू में रखे, 7 दिन रखने के बाद थोड़ी रिकवरी आई बोल के उनको बाहर निकाले। जब हम लोग इधर आए थे पहले दिन, जब मेरे वालिद के लंग्स 70% ख़राब थे, फिर उनको 7 दिन के बाद जब आईसीयू में निकाले थोड़ा रिकवरी हो रही बोले। वो रिकवरी होने के टाइम पे 2 दिन उनको जनरल वार्ड में लाके रखे, जनरल वार्ड में लाके रखते कि सडनली रात को 1 बजे रात को इनकी तबीयत ख़राब हो जा रही, आईसीयू में फिर से एडमिट करना पड़ता, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग अरेंज कर लो जाके बोल के बोले। हम लोग 2-3 दिन से, ये मेरे भाई है, ये मेरे भोने है, इला 3 दिन से बाइकों पे फिर के हर एक दवाखाना को फिर रहे, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में सुबह 6 हो गई, इनो हमारे बहन आए, बहन आके बोले रिक्वेस्ट करे कुछ भी दूसरे एंटीबायोटिक्स ट्राई करो, लंग्स खराब हो रहे ना बोल के बोले। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो बोले तो जब लोग एक्शन लिए, जब बोले तो थोड़े हाई डोज के इन्फेक्शन दे रहे, फिर हमला क्या करे हाँ, तो फिर हम आपको बोले लेके जाओ आईसीयू में बोले तो अच्छी बात है ठीक है, बिल बोलो कितना हुआ बिल, हमला उतना क्लियर करके जाते बोले तो एक रात पूरी बिल्कुल अगर उसके वजह से 1 दिन खराब हुआ हमारा, बेड था 100 वाला चले गया, ठीक है बिल क्लियर कर लेंगे रात को सुबह निकलेंगे बोल के। रात के टाइम पे 5 लाख का बिल बनाए, 5 लाख का बिल रात को बनाए तो सुबह के भी थोड़े बनना पड़ता बोल तो फिर 5000 अलग बने, 5 लाख 5000 उनको बनने के बाद में हम लगा सुबह में 11:30 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल से निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है नहीं लेते बोले तो फिर वहाँ से TIMS तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो हॉस्पिटल को गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन लोग बोले हम नहीं लेते, बेड्स अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस में फिर रहे हम लोग आई प्रीमियर हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस का चार्जेस 3000 लिए उन्हों। वहाँ से गए बाद में फिर हम केयर हॉस्पिटल को आए, केयर हॉस्पिटल को आए बाद में उन लोग बोले हम लोग 10 दिन के 10000 लेते बोले। वहाँ से निकल के हम लोग कहीं भी रास्ता नहीं मिला, हर चीज़ हर व्हाट्सअप बुक फेक है, पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे फेक है, कुछ भी नंबर आंदे रहे सब पूरे फेक है व्हाट्सअप के। हम लोग हर चीज़ से कोशिश करे कहीं भी नहीं मिला, मदद नहीं है, नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे, कहीं भी बेड नहीं मिला हमको। फिर हम लोग रिटर्न नहीं चाहे, सपोर्ट भी नहीं है, बट ये लोग समझ रहे भी नहीं। और अभी 2 घंटे मांग रहे लोग और पेशेंट को कुछ ट्रीट ही नहीं करे, सिस्टर मंडरा रही नहीं, कुछ भी नहीं है, लोग कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद को बस ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगा के बोलते हैं ट्रीट। नर्स चार्जेस कितने हैं, 500 है, कंसल्टेंसी 600। डू यू एवर नो कंसल्टेंसी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितनी होती है, 600 है। चलो कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर ट्रीट करता भाई, उनको एंटीबायोटिक दे रहे ही नहीं थे। उनके 3 टाइम के एंटीबायोटिक थे, 1 टाइम के 4000 थे, 4000 का एक एंटीबायोटिक था, दिए ही नहीं, दोपहर का नहीं दिए, शाम का नहीं दिए, लंच नहीं दिए मेरे फादर को। फिर किस चीज़ की फीस मांग रहे भाई आप लोग, क्या बोलना चाह रहे? फाइनली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना गंदा हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर्स के नाम में बोलती हूँ मैं, शाइस्ता है वो डॉक्टर और जो ओनर है वो सिद्धार्थ है ना, डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा, एक नंबर का धोखेबाज और ईगो पर्सन है, रेस्पेक्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है उसको, बस गिर रहे तो भी उनके सामने उन्होंने चिल्ला रहे, हमारे चिल्ला रहे, हम लोग के साथ आर्गुमेंट कर रहा बंदा, बोलना चाह रहे कि डॉक्टर्स की लापरवाही है, बहुत लापरवाही। और वो क्या नाम है, रब बोल के नाम है, रब डॉक्टर रब बोल के इतना एटीट्यूड पर्सन है। जब नॉर्मली पेशेंट अगर सामने ठहरे हुए बिल बात कर रहे भाई कुछ तो मदद करो बोलते, नॉर्मली अपने पर्सनल कॉलम पे लगे हुए हैं सबके सब, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं है। हम यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल ना फिर के यहाँ पे 1:30 बजे आए हमला, दोपहर के 1:30 बजे। मेरे बाबू सिर्फ एक इडली खा के थे सुबह में, यहाँ पे आके इमरजेंसी रूम में रखे उनको, इमरजेंसी रूम में रखने के बाद 3:30 बजे एक नर्स आए, चिट्ठी ले लेके आए उन्होंने, कितने हजार की, 6000 की, खाली 2 घंटे में 6000 की चिट्ठी लेके आए, 500 रुपये का मास्क कर दे।